एक नॉर्मल टीचिंग वीडियो को प्रोफेशनल टीचिंग वीडियो बनाने के लिए यूज किया जाता है ग्रीन स्क्रीन का। ग्रीन स्क्रीन जिसको आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको जो बैकग्राउंड है उसको कम्प्लीटली रिमूव करना है तो फिर आपको ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर यूज करनी ही होगी। मैं आपको जो अभी मेरा सेटअप टूर है वो भी दिखाने वाली हूँ इन अ वाइल, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि किस तरह से जो लाइटिंग सेटअप होता है वो किया जाना चाहिए और किस तरह से ग्रीन स्क्रीन को सेटअप किया जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस स्टैंड के ऊपर मैंने लगाया है ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से स्ट्रेच करके, जिससे कि इस पर कोई भी रिंकल्स ना रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अम्ब्रेला लाइट्स मैंने यूज़ की हैं जो कि फोकस कर रही हैं सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। और जो आपकी चेयर है वो कम से कम एक हाथ की दूरी पर हो स्क्रीन से, जिससे कि आपकी या आपकी चेयर की शैडो स्क्रीन पर ना पड़े, तभी आप क्रोमा की इफेक्ट को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे।